नर्सिंग होम संस्थान द्वारा मंगलवार को नेहरू नगर के अनेक क्षेत्रों में वृहद रूप से वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण के पश्चात संस्था के सदस्यों ने पौधों के पेड़ बनने तक उसी देखरेख करने का संकल्प लिया। प्रत्येक वर्ष बरसात के मौसम में सेवा नर्सिंग संस्थान के सदस्यों द्वारा टाउनशिप क्षेत्र में पौधारोपण करने के कार्य को अंजाम दिया जाता रहा है। इस वर्ष इसकी शुरुआत नेहरू नगर स्थित ओल्ड एज भवन से की गई। यहां संस्थान के प्रमुख रवि मेहरा द्वारा विभिन्न फलदार पौधे रोपे गए। ओल्ड एज होम के पश्चात पौधारोपण अग्रसेन चौक के समीप किया गया। यहां संस्था के सभी सदस्यों द्वारा विभिन्न प्रजातियों के फलदार पौधे रोपकर पौधों के पेड़ बनते तक उसकी देखरेख करने का संकल्प लिया गया। साथ ही अन्य पौधे लोगों को वितरित किए गए। सेवा नर्सिंग संस्थान के प्रमुख रवि मेहरा और एक अन्य स्टाफ ने पौधारोपण को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं सेवा नर्सिंग के संचालक रवि मेहरा, ओल्ड एज होम नेहरू नगर में। पिछले वर्ष हम लोगों ने मनुष्यों को दुर्घटना से बचाने के लिए गायों के रेडियम प्लेट लगाया है। हम पौधारोपण किया कारगिल दिवस के दिन और वह पौधे आज पेड़ के रूप में ले लिया गया है। और हमारे सेवा नर्सिंग टीम द्वारा पूरी तरीके से पौधों का ध्यान रखा जाता है। हम सभी से अनुरोध है कि ऐसे ही पेड़ लगाएँ और पेड़ का ध्यान भी रखें। और इस वर्ष भी सेवा नर्सिंग द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम ओल्ड एज होम नेहरू नगर बंगला नंबर 49 में किया गया है। कम से कम 50 पौधे हमने लगाए हैं। हमारे उसकी देखरेख की जिम्मा हमारे सेवा नर्सिंग की टीम पूरी तरीके से करती है। आने वाले समय में सामाजिक कार्य में कुछ नया करेंगे। मेरा नाम सीमा डांडवेकर है। मैं सेवा नर्सिंग कार्य से कार्यरत हूँ। पिछले साल जो हम लोगों ने वृक्षारोपण किया था वो आज वृक्ष का निर्माण कर लिया है और हम लोग पूरा टीम सेवा नर्सिंग संस्था जुड़कर इसकी देखरेख करते हैं। ये कारगिल दिवस के पावन पर्व पर हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। बहरहाल संस्था का यह प्रयास सराहनीय है। संस्था के सदस्यों की बदौलत आज कई पौधे पेड़ों में तब्दील हो चुके हैं। अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा लिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।